कृषि पर जीएसटी लगाने के खिलाफ पंजाब के किसानों ने केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज जेटली के लुधियाना आगमन के चलते उनका घेराव करने के लिए भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व तले बड़ी संख्या में किसान जेटली के कार्यक्रम स्थल दुगरी स्थित एक निजी स्कूल की ओर कूच कर गए, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और प्रदर्शनकारी किसानों को कार्यक्रम स्थल से पहले ही रोक लिया गया तथा अधिकारी उनसे बातचीत के लिए उन्हें दुगरी स्थित एक गुरुद्वारा साहब में ले गए, जहां पर किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि पहले से ही किसानों की आर्थिक स्थिति खराब है तथा वह आत्महत्या कर रहे हैं। अब कृषि पर जीएसटी लगने से स्थिति और भी बदतर हो गई है। फिलहाल अधिकारियों ने किसानों को भरोसा दिलाया कि वह केंद्रीय मंत्री से उनको मिलने का समय लेकर देंगे, जिस पर किसान शांत हुए हैं। भारत सरकार ने किसानों के उत्ते जीएसटी ला दिता। अज तक कदे खादा दे उत्ते, कीड़े मार दवाइया ते, खेती संदा ते, खेती मशीनरी ते कोई टैक्स नहीं सी हुंदा। तो सिर्फ पंजाब दे किसानों ते जीएसटी ला के 750 करोड़ रुपए का भार पाता। देश का किसान अज करजे दे जाल च फसिया सरकारी नीतियों की वजह करके और खुदकुशियां दे राह पे है। ये उल्टा उन्हां ते भार पा रहे हैं। अज असीं सानूं पता लग्या सी वी इत्थे अरुण जेटली जी आ रहे ने, असी प्रोटेस्ट करने लई फैसला कीता सी। अचानक 24 घंटे के नोटिस से इत्थे इकट्ठे होए ते फिर एडमिनिस्ट्रेशन ने दखल दे के साडी उन्हां दे नाल मीटिंग तय करवाई है। जागती लड़के लिए लुधियाना से रजिंदर रोड़ा की रिपोर्ट।